अब हम देखेंगे इंडियन स्कूल टैलेंट सर्च एग्जाम के सैंपल पेपर क्लास सेकंड के लिए। यह एक ही पेपर आता है, टोटल क्वेश्चंस पेपर, जैसा कि आपको मैंने सिलेबस में भी बता चुकी हूँ। और अब हम सैंपल पेपर देखते हैं। सिलेबस में पूरे डिटेल्स इसके जान ही चुके हैं आप कि OMR शीट पे इसके आंसर देने हैं आपको। ईच क्वेश्चंस कैरी निगेटिव मार्किंग रहेगी और इसलिए क्लियर लिखा गया है। 6 पॉइंट पे ध्यान दीजिए, प्लीज़ लीव द क्वेश्चन इन केस यू आर नॉट श्योर अबाउट आंसर। अगर आप आंसर के लिए श्योर नहीं हैं तो इस क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं, क्योंकि अन अटैम्प्ट क्वेश्चन डू नॉट अट्रैक्ट निगेटिव मार्किंग, यानी अगर क्वेश्चन आप छोड़ते हैं तो उसकी निगेटिव मार्किंग नहीं की जाएगी। तो चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। सेक्शन वन में है हमारा लॉजिकल, मेंटल एंड लॉजिकल एबिलिटी। 2 मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर एंड 0.50 मार्क्स विल बी रॉन्ग आंसर। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द मिसिंग टर्म ऑफ द पैटर्न बिलो। ये नंबर दिया गया है 15, 25, 40, क्वेश्चंस मार्क 85 एंड 115। इसे मैंने सॉल्व किया है। ये सीरीज जो है अपनी, ऑप्शन क्या आएगा इसमें, 58, 90, 65 एंड 60। देखिए ये पैटर्न है, 10 से 25, 10 के डिफरेंसेस है, 15 से 40, 15 प्लस हम 15 ऐड करेंगे तो 40 हो जाएगा, फिर 40 प्लस 20 इक्वल टू 60 एंड 60 प्लस 25, 85 एंड 85 प्लस 30, 115। सो 55 प्लस जो है ऐड बढ़ते जा रहे हैं और उसमें प्लस होकर ये नंबर हमें प्राप्त हो रहे हैं। तो सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी 60। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, राइट द फिगर इन डिफरेंट फॉर्म ऑफ अदर्स। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। इसमें पूछा जा रहा है ये किस प्रकार के, कौन से फिगर्स जो हैं डिफरेंट है, एक अलग फिगर्स हैं। अब ए हम देखते हैं सेम ही शेप के फिगर डबल बार रिपीट किए गए हैं, बी में भी वही चीज़ हो रहा है एंड डी में भी वही चीज़ रिपीट हो रहे हैं, सेम फिगर हमारे सेम शेप रिपीट हो रहे हैं। जबकि सी में हम देख रहे हैं कि बाहर हमारा रेक्टेंगल शेप है और अंदर क्या है, स्क्वायर शेप है। सो डिफरेंट शेप, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी टाइम्स डज 7 डिजिट ओकर्स इन काउंटिंग फ्रॉम 7 to 80। 7 से 80 के बीच हम काउंटिंग करते हैं तो 7 नंबर्स कितने बार में आता है। इस तरह के क्वेश्चंस मैंने अपने लॉजिकल रीजनिंग की वीडियो है उसमें बनाकर डाली है, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द 11th letter to the left of 20th letter from left in the English alphabets। ये क्वेश्चन दिए गए हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं और इसमें हमें बताना है कौन से सीरीज नंबर कौन से आएंगे। इसको मैंने सॉल्व किया है, यहाँ नीचे में देखिए ए से 26 लेटर तक अल्फ़ाबेटिकली हमने अरेंज कर दिया है, ए फॉर 1, बी फॉर 2, सी फॉर 3, इस तरह हमने अरेंज किया है 26 तक। 26 अल्फ़ाबेट लेटर होते हैं। सो फ्रॉम ए से 20th लेटर हमारा हो गया 20th पोजीशन पे एंड लास्ट जो है ये पूछा जा रहा है 11th पोजीशन पर यहाँ से। सो ये लेटर हो गया आपका 11th letter to left 20th letter is equal to answer I। So correct answer is अपना हो रहा है I। So option 4 का हो गया आपका option B। ठीक है, next question number 5 देखेंगे। Which of the figure give incorrect number relation? Option A, option B, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। इसमें पूछा जा रहा है कौन से ऐसे नंबर्स हैं जिसकी सीरीज या सीक्वेंस या नंबर रिलेशन गलत किया हुआ है। तो इसमें हम सॉल्व करते जाएंगे। देखिए ये हमारा हो रहा है 49 प्लस 32 इक्वल टू 81। ये दोनों नंबर्स को हम प्लस कर रहे हैं नीचे वाले, 20 प्लस 22 इक्वल टू 42। ये नंबर हो रहे हैं हमारे 41 प्लस 50 एंड 59 प्लस 9 इजकल टू 68। यानी हम देख रहे हैं ये दोनों नंबर को प्लस करने पे हमें ऊपर वाले नंबर प्राप्त हो रहे हैं। तो इस आधार पर हमारा आंसर बी जो है गलत है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6,
given below pictograph show the type of fruit liked by children. ये एक पिक्टोग्राफ के द्वारा रिप्रेजेंट किया जा रहा है बच्चों को कि बच्चे को कौन से फ्रूट ज़्यादा पसंद है. अब हम क्वेश्चन देखते हैं. इफ एट मोर चिल्ड्रन लाइक एप्पल्स देन ग्रेप्स, तो हाउ मेनी चिल्ड्रन डज ईच स्टैंड फॉर. एट चिल्ड्रन को एप्पल्स ज़्यादा पसंद है ग्रेप्स की तुलना में, तो हाउ मेनी चिल्ड्रन डज स्टैंड फॉर, तो कितने चिल्ड्रंस हैं जिसको ग्रेप्स के लिए हैं. तो ग्राफ्स के लिए देख लीजिए 1, 2, 3, 4. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेक्शन 2 हमारा यहाँ से मैथमेटिक्स शुरू हो जाता है. इसमें 3 मार्क्स करेक्ट आंसर के लिए दिए गए हैं एंड निगेटिव रॉन्ग आंसर के लिए 0.75. विच नंबर इज 5 tens एंड 1 4 ones मोर देन 51 tens. वंस एंड टेंस के क्वेश्चन हमने आपको मैथ की सीरीज में सॉल्व करवाए हैं. ठीक है, इसके करेक्ट आंसर हो जाते हैं 5, 6, 4. तो उस सीरीज को देखकर आप सॉल्व करेंगे. आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8. अक्षय बाउट 2 आइटम फ्रॉम हिज स्कूल बुक शॉप. द आइटम कॉस्ट 50 इन ऑल. टॉय कार 35 रुपीज, स्टोरी बुक 25, पेंसिल ₹15 एंड वाटर बॉटल ₹20. अब क्वेश्चन हम इस टेबल के अकॉर्डिंग देंगे. विच 2 आइटम डिड ही बाय, इसमें से कौन से 2 आइटम्स जो है अक्षय खरीद सकता है जिसके कॉस्ट जो है 50 रुपीज़ होनी चाहिए. अब हम देखते हैं पहला है ए टॉय कार एंड स्टोरी बुक. तो टॉय कार एंड स्टोरी बुक ये दोनों अगर खरीदा जाए तो इनको हम प्लस करते हैं 35 + 25 यानी कि ये हो गया 60. ठीक, तो ये हम नहीं खरीद सकते हैं. नेक्स्ट जो है पेंसिल बॉक्स एंड वाटर बोतल. तो पेंसिल बॉक्स है 15 रुपीज़ का एंड वाटर बोतल है 20 रुपीज़ की. तो ये कितने हो गए 35 के हो गए. अभी भी हमारे पास कॉस्ट जो है 50 बचे हुए हैं, नहीं हो सकते हैं. नेक्स्ट सी है पेंसिल बॉक्स एंड स्टोरी बुक. तो पेंसिल बॉक्स कितने की है 15 एंड स्टोरी बुक 25. तो ये क्या हो गया 550, 2 and 3 and 40 rupees. नेक्स्ट हम 2 स्टोरी बुक्स अगर लेते हैं तो 2 स्टोरी बुक्स की रेट क्या हो गई. एक स्टोरी बुक्स है 25 rupees में, तो 2 स्टोरी बुक्स हमें मिलेंगे 50 rupees में. तो हम क्या ले सकते हैं द आइटम कॉस्ट 50 rupees इन ऑल. 2 आइटम्स हमको लेना है तो हम क्या ले सकते हैं 2 स्टोरी बुक्स. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी. अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9. प्रीशा ड्रिंक 8 लीटर वाटर इन एवरी डे. यानी एक दिन में जो है प्रीशा कितने वाटर पीती है 8 लीटर. तो हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर डू ड्रिंक इन 5 डे. तो 5 डे में कितने पिएगी. अब 1 डे में 8 लीटर, तो 2 दिन में कितने पिएगी, फिर 8 लीटर पिएगी, फिर 3 डे में 8 लीटर, 4 में 8 लीटर एंड 5 डे में फिर 8 लीटर पिएगी. तो इसको हम प्लस कर देंगे तो कितने होंगे 8, 5 ज़ 8, 8 16, 24, 32 एंड 40. इसको प्लस करके बच्चों 40 आएगा तो वो 40 लीटर्स पिएगी. तो करेक्ट आंसर क्या हो गया 2. नेक्स्ट हम देखते हैं हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 10 and 100 हैविंग द सेम डिजिट इन 1 and 10 place. मान लीजिए ये हमारा नंबर है, ये 1 place हो गया, ये 10 place हो गया, जैसा कि हमने आपको मैथ के 1 and 10 place के चैप्टर्स में समझा चुकी हूँ. अब हमें देखना क्या है हाउ मेनी नंबर्स देयर बिटवीन 10 and 100 हैविंग सेम डिजिट इन 1 and 10 place पे सेम डिजिट के नंबर कितनी बार रिपीट हो रहे हैं. अब ये मैंने सॉल्व करके नीचे रखा है. देखिए 1, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. अब सेम डिजिट जो है 1 place के जो है कितने बार रिपीट हो रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ये 0, 10 place जो है हमारा सेम रिपीट हो रहा है 9 बार, जबकि यहाँ पर क्या हो रहा है 100 पोजीशंस आ रही है.
तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर्स 11। देयर आर 143 मैन एंड 221 वुमेन एंड द रेस्ट वर चिल्ड्रन इन पार्टी ऑफ 259 पीपल। ठीक है, तो हाउ मेनी चिल्ड्रन वेयर देयर। इसमें कहा जा रहा है कि 143 मैन है, 211 वुमेन है और टोटल पार्टी में लोग जो है 599 पीपल्स हैं, तो चिल्ड्रंस कितने हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले मैन एंड 143 मैन है एंड 221 वुमेन है, तो इसको हम प्लस कर लेंगे। पहले 3 और 1 4 4 और 1 5 2 और 1 3 इतने हो गए, और टोटल्स नंबर ऑफ पीपल कितने हैं 599 में से हम इसको माइनस कर देंगे। 354, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 5 गया 4 और 5 में से 3 गया 2, तो बच्चे कितने हो गए 2 4 5। ये ऑप्शन हमें कहाँ मिल रहा है, डी में। सो करेक्ट आंसर इज डी। हाउ मेनी जीरो आर देयर इन 1000। 1000 में कितने जीरो रहेंगे, तो 1000 बच्चों हम इस प्रकार लिख सकते हैं, तो कितने जीरो हो गए 3 0, 1 2 3। सो करेक्ट आंसर इज 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। सैम हैज 222 टॉय सोल्डर्स, ही हैज 98 मोर टॉय सोल्डर देन विने, हाउ मेनी टॉय सोल्डर डू हैव ऑल टूगेदर। यदि उसके पास 224 टॉय सोल्डर्स के टॉय हैं, इस तरह के सॉल्व प्रॉब्लम क्वेश्चंस बच्चों आप हमारे पिछले वाले वीडियो में देख सकते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे, इसको आप खुद सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, मैं उसे सॉल्व करके आपको बताऊंगी। इसी प्रकार के क्वेश्चन नंबर 14 है, इसे भी आप खुद सॉल्व करेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब हमारा सेक्शन स्टार्ट हो जाता है, सेक्शन 3 साइंस। साइंस में पहला क्वेश्चन है, फिल इन द करेक्ट ऑप्शन, द साइन बिलो इंडिकेट्स। ये साइन किसको इंडिकेट्स करता है, नो स्मोकिंग, बी नो एंट्री, सी नो पेडेस्ट्रियन एंड डी नो वे। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, 1 वे, यानी एक तरफ से ही हम जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। मैच द फॉलोइंग कॉलम 1 एंड कॉलम 2। नंबर 1, नेल मस्ट बी, क्या होना चाहिए इसमें से, टू स्टे एक्टिव ट्वाइस अ डे, कीप शॉर्ट एंड क्लीन, बी फील टायर्ड। तो नेल मस्ट बी क्या होता है, केप्ट शॉर्ट एंड क्लीन, तो 1 का यहां पर क्या हो गया, सी। इस तरह हम लिखते जाते हैं, ठीक है। सेकेंड है एक्सरसाइज हेल्प अस, क्या करते हैं हमें, टू स्टे एक्टिव बनाना ट्वाइस ए डे, बी फील टायर्ड, तो हम क्या करते हैं, स्टे एक्टिव, एक्सरसाइज करके हम एक्टिव रहते हैं, तो यहाँ पे हो गया 2 का बी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, विदाउट रेस्ट बी फील टायर्ड, अगर हम रेस्ट नहीं करते हैं तो हमें थकावट महसूस होती है। एंड फोर्थ में हो गया, बी मस्ट ब्रश आवर टीथ ट्वाइस अ डे, दिन में 2 बार हमें करना चाहिए, एक सुबह और दूसरा रात में सोने से पहले, तो यहाँ पर हो गया 4th का बी। ठीक है, एंड सेकेंड का ए टू स्टे एक्टिव रहता है, तो ये ऑप्शन हम देख लेते हैं किस में आ रहा है हमें, तो ये ऑप्शन हमारा डी में मिल रहा है, मैच कर रहा है, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 17, नेम द ओनली बर्ड दैट कैन फ्लाई बैकवर्ड्स, ह्यूमन बर्ड्स, ऑप्शन बी पिजन, सी आउल एंड डी पैरट। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन हमिंग बर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ड्वार्फ प्लैनेट, ऑप्शन ए प्लूटो, प्लूटो, बी मार्स, सी वेनस, डी यूरेनस। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए प्लूटो। फिल इन द ब्लैंक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द मून इज नॉट ट्रू, ऑप्शन 1 इट इज स्मॉलर देन द अर्थ, बी इट गिव्स आउट इट्स ओन लाइट, सी इट हैज नो एयर एंड वाटर एंड डी इट इज सैटेलाइट ऑफ द
अर्थ. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, इट इज स्मॉलर देन अर्थ. क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ दिस होल्ड्स ट्रू फॉर द गिवन सिचुएशन. इट विल बी डिफिकल्ट फॉर रिया टू डिस्टिंग्विश रेड एंड पिंक कलर. रिया विल फाइंड डिफिकल्टी टू सेंसिंग हॉट एंड कोल्ड थिंग्स. थर्ड, इट इज नॉट सेफ फॉर रिया टू क्रॉस द बिजी रोड विदाउट असिस्टेंस. एंड फोर्थ, रिया कैन फील एयर. रिया एंड अब हमें देखना है इसमें से ट्रू कौन सा होगा. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, 1, 3 and 4. क्वेश्चन नंबर 21, मैच द कॉलम विथ 1 and column 2, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. रिक्शा फास्टर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. बी एरोप्लेन बेस्ट ऑफ द ट्रांसपोर्ट ऑफ पेट्रोल. 3 शिप बेस्ट फॉर डोर टू डोर सर्विस. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी के अकॉर्डिंग रिक्शा जो है बेस्ट फॉर डोर टू डोर सर्विस हो जाएगा. एरोप्लेन फास्टर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड शिप बेस्ट फॉर द ट्रांसपोर्ट फॉर पेट्रोल. क्वेश्चन नंबर 22, कंप्लीटिंग द फॉलोइंग पैराग्राफ बाय सेलेक्टिंग द ऑप्शन विद द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ वर्ड. मूविंग एयर इज कॉल्ड एयर टॉक्स अप एंड इसके अकॉर्डिंग हमें ये फिलअप करना है. सो यहाँ पर मैं कर देती हूँ. यहाँ हो गया विंड, यहाँ हो जाएगा स्पेस, नेक्स्ट हो गया ब्रेथ, ब्रीथ, एंड यहाँ हो जाता है स्ट्रॉन्ग. सो इस प्रकार मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड. एयर ट्रैक अप स्पेस. एनिमल्स एंड प्लांट नीड एयर टू ब्रीथ. फास्ट एंड स्ट्रॉन्ग विंड कैन कॉज अ स्ट्रॉन्ग. क्वेश्चन नंबर 23, अब हमारा इंग्लिश सेक्शन स्टार्ट होता है. सेक्शन नंबर 4, इसमें 2.5 मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर एंड 0.50 मार्क्स इज नेगेटिव रॉन्ग आंसर. सो क्वेश्चन नंबर 23, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ड. आई लव एप्पल बट माय ब्रदर रिफर बनाना. ये हमारा आर्टिकल्स है. आर्टिकल्स में कौन सा ए एन और द कौन सा यूज होगा उसके अकॉर्डिंग हमें फिलअप करना है. नन ऑफ दिस. नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द ऑप्शन इंडिकेट द करेक्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच. आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव्स. सी एंड ग्रेट ट्रूथ. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी ग्रेट. चूज द करेक्ट ऑप्शन. द लिटिल ब्लू बर्ड सिटिंग ऑन द बेंच ऑफ द बिग मैंगो ट्री मेड स्वीट साउंड इन द सनी मॉर्निंग. द वर्ड लिटिल ब्लू बिग स्वीट एंड सनी आर क्या है ये. ऑप्शन ए एडजेक्टिव्स, बी एडवर्ब, सी नाउन या डी कंजक्शन. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए एडजेक्टिव्स. क्वेश्चन नंबर 26, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर बिलो गिवन क्वेश्चंस. द प्लूरल ऑफ हिप्पोपोटामस इज. ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. क्वेश्चन नंबर 27, सेलेक्ट द ऑप्शन करेक्टली डिस्क्राइब द अनडिफाइंड. अंडरलाइन रमेश इज माय फ्रेंड ही इज वेरी वेल. ही जो अंडरलाइन किया हुआ है ये क्या है. ऑप्शन ए प्रीपोजिशन, बी एडजेक्टिव, सी कंजक्शन या डी प्रोनाउन. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी प्रोनाउन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, फाइंड द ऑड आउट ऑड वर्ड. ऑप्शन ए लैडल, बी फॉग, सी स्पून एंड डी सॉसर. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी सॉसर. क्वेश्चन नंबर 29, फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट सुटेबल वर्ड. पोर जूस माई ग्लास. ऑप्शन ए इन,
B into C within D far of this. Correct answer is option B into pour juice into my glass. Question number 13. Select the correct choice. Which is the action word? Think, mink, tank, pink. Correct answer is option A, think is the action word. नेक्स्ट अपना फिफ्थ सेक्शन स्कॉलर सेक्शन हो जाता है, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे क्वेश्चंस 4 मार्क्स करेक्ट आंसर के लिए रहता है एंड 1.5 मार्क्स विल रॉन्ग आंसर के लिए. व्हाट टाइम इट व्हेन इट इज हाफ ऑफ एन आवर्स ऑफ 12 मिडनाइट. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 11:30. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, व्हाट डज द गिव पिक्चर शो. ये पिक्चर्स बताए जा रहे हैं, इसमें बताना है ऑप्शन ए एयर इज नीडेड बाय प्लांट, बी एयर इज नीडेड फॉर बर्निंग, सी मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड एंड डी एयर इज नीडेड फॉर मूविंग थिंग्स. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी एयर इज नीडेड फॉर बर्निंग. तो आई होप आपके लिए यह वीडियो हेल्पफुल रहे और आप अपने बच्चों की प्रिपरेशन अच्छे से करवा सकते हैं. ये एक रफ आइडिया था मॉडल पेपर का जो ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं. और आपने देखा ये सारे जितने भी 4 सेक्शन एंड 5 सेक्शन में पेपर बटे हुए हैं, ये सब ऑलमोस्ट हमारे CBSE या ICSE या अदर स्टेट बोर्ड के जो सिलेबस रहते हैं क्लास वाइज ऑलमोस्ट वही रहते हैं. कुछ थोड़े से डिफरेंट, जैसे सम स्कॉलर सेक्शन या रीजनिंग के क्वेश्चन हैं वो थोड़े से डिफरेंट रहते हैं. रीजनिंग के कुछ पार्ट्स हमने अपने चैनल पे बनाकर डाले हैं क्लास फर्स्ट सेकेंड क्लास फिफ्थ के, वो रीजनिंग भी आप एक बार देखकर अपने बच्चों को तैयारी करवा सकते हैं. उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी. तो आज के लिए इतना ही. अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें. साथ ही बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे. थैंक यू.